राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो डाला है, उसे आपने देखा होगा, शांति के विषय में, प्रारंभ के विषय में और बहुत सारा वीडियो है, व्रत वगैरह के विषय में, किस तरह क्या करना है, एकादशी वगैरह के विषय में मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है। आप उसे देखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर किसी भी तरह की समस्या होगा आपके साथ, ज्योतिषीय समाधान कुछ ढूंढना हो, कुंडली के विषय में हो, घर के विषय में हो, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको यथाशीघ्र दूंगा। तो दोस्तों, मैं अभी कुछ दिनों से दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल के विषय में भी डाल रहा हूँ, आप इसे देखें और लाभान्वित हों, और इसे शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके मित्र भी लाभान्वित हो सकें। तो आइए, आज का राशिफल क्या है, आज मेष राशि वालों के लिए क्या है उसे मैं बताता हूँ कि आर्थिक दृष्टि से मेष राशि वालों के लिए आज लाभदायक दिन है, आज लाभ मिलेगा। घर में कोई शुभ प्रसंग का आयोजन होने की संभावना है। मित्र एवं संबंधियों के साथ आपकी मुलाकात आज होगी। यात्रा का योग भी आपका बन रहा है, आप कहीं घूमने भी जाएंगे। या विरोधी पक्ष निर्बल रहेंगे। कोई वस्तु की खरीदारी के लिए आज आपके लिए शुभ दिन है, आपके विरोधी भी आज आपसे निर्बल रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में जुड़े जो हैं उन्हें उच्च पद प्राप्त होने की बात भी आज आगे बढ़ेगी। किसी खास काम में कोई गलती हो सकती है, इसलिए मेष राशि वालों के लिए आज खुशी का दिन है। दोस्तों, आज आपका शुभ रंग है पीला और शुभ रंग है 8। अब वृष राशि वालों के लिए आज क्या है उसके विषय में सुनिए। वृष राशि वाले, आज आप अपनी अनावश्यक भौतिक इच्छाओं पर काबू रखें। आज आप पर उच्च पदाधिकारी और बुजुर्गों की कृपा दृष्टि रहेगी। नौकरी तथा व्यवसाय के क्षेत्र में परिस्थिति आज आपके लिए अनुकूल होगा। मान सम्मान बढ़ेगा। गृहस्थ जीवन में आनंद की अनुभूति आप करेंगे। घर में मेहमान का आगमन हो सकता है। आज आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आपसे संपर्क करेगा। आप आज का शुभ रंग है आपका गुलाबी और शुभ अंक है 3। अब मिथुन राशि वालों के लिए आज क्या है उसे सुनिए कि आज आपको थकान तथा बेचैनी अधिक होगी। संतान की समस्या से आप चिंतित रहेंगे। सरकार की तरफ से कोई परेशानी भी खड़ी हो सकती है। पुत्र के साथ मतभेद भी बढ़ सकता है। नौकरी में उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद विवाद भी आज आपका हो सकता है। नकारात्मक विचारों से आज आपका मन घिरा रहेगा। आज का दिन ऐसी चीज़ों को खरीदें जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है, तो आपको आगे चलकर इससे लाभ मिलेगा। और आज आपका शुभ रंग है बैंगनी और शुभ अंक है 1। अब कर्क राशि वालों के लिए क्या है आज उसे सुनिए कि आज गूढ़ रहस्यमय विद्या सीखने में आपकी विशेष रुचि होगी। नए कार्य की शुरुआत के लिए शुभ समय नहीं है, इसलिए आप आज नए कार्य का शुरुआत नहीं करें। प्रवास में आकस्मिक कठिनाइयां आ सकती हैं। आर्थिक कारण से आपकी योजना में रुकावट पैदा हो सकती है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद भी आज आपका हो सकता है। आज आप मौज मस्ती व घूमने फिरने में समय व्यतीत करने वाले हैं। पुराने एवं स्थायी रोग की चिंता आज आपको हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 8। सिंह राशि वालों के लिए क्या है आज उसे सुनिए कि आज सिंह राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन का विशेष आनंद आपको मिलने वाला है। स्नेही जनों और मित्रों के साथ आपको भोजन करने का अवसर मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ का भी योग आज आपका बन रहा है। आमदनी के नए स्रोत आपको आज मिलेंगे। आज आप नए वस्त्रों की खरीदारी कर सकते हैं। सामाजिक एवं पारिवारिक कार्य करने में दिलचस्पी आज आपकी बढ़ेगी। आज आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा।
आज का आपका शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 2। कन्या राशि वालों के लिए आज क्या है कि घर में सुख शांति का वातावरण बने रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप आज स्वस्थ रहेंगे। आर्थिक लाभ की भी संभावना है आपके लिए आज। रुके हुए कार्यों की पूर्णता के लिए आपका मार्ग आज प्रशस्त होगा। रुका हुआ कार्य आज आपका बन सकता है। प्रतिस्पर्धियों के समक्ष सफलता आप प्राप्त करेंगे। आपके जो कंपटीशनर हैं उनसे आप आज आगे बढ़कर और सफलता प्राप्त करेंगे। आज स्वभाव में क्रोध पर लगाम लगाने की आपको आवश्यकता है। आज आप क्रोध न करें, क्रोध करने से आपको आज क्षति होगी। आज आप खान पान को लेकर लापरवाह न रहें। आप खान पान बहुत ही सावधानी से करें, छोटी मोटी बीमारी की शिकायत हो सकती है। आज का आपका शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 4। तुला राशि वालों के लिए क्या है आज कि शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता रहेगी। आकस्मिक खर्च होने की भी संभावना है। प्रेमी जनों के बीच मनमुटाव होने की प्रबल संभावना है, इसलिए आज अपने स्वभाव पर आप नियंत्रण करें। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण के लिए संकट भी खड़ा हो सकता है। आज यात्रा, प्रवास और नए कार्य की शुरुआत न करना आपके हित में रहेगा। पेट तथा पाचन तंत्र से कोई समस्या आपको आज हो सकती है। वस्त्र आभूषण खरीदना चाहें या भेंट देना चाहें तो आपकी उम्मीद आज पूर्ण होगी। आज का आपका शुभ रंग है नारंगी और शुभ अंक है 6। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है आज वृश्चिक राशि, आज आप छोटी मोटी बातों पर झुंझलाएंगे। परिवार में मनमुटाव होगा, मन में नकारात्मक विचार आएंगे। जमीन, मकान, वाहन आदि के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए आपका आज का दिन अच्छा नहीं है। नौकरी में चिंता भी हो सकती है। आज के दिन स्त्री वर्ग तथा पानी से आपको संभल कर रहना है। माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। आज का आपका शुभ रंग है सफ़ेद और शुभ अंक है 5। धनुराशि वालों के लिए आज क्या कहता है कि आज भाई बहनों के द्वारा आपको लाभ मिलने वाला है। प्रतिस्पर्धियों की चाल निष्फल होगी। आपके ऊपर जो भी चाल चलेगा आपका कंपटीशनर, उसका चाल निष्फल होगा, उसमें सफलता उसको नहीं मिलेगी। भाग्य वृद्धि का योग होने पर भी किसी भी कार्य में अविचारी कदम से हानि हो सकती है, इसलिए कोई भी काम आज करें सोच विचार कर ही करें। जीवन साथी के खराब व्यवहार का नकारात्मक असर आपके ऊपर पड़ सकता है। आज आप दैनिक व्यापार में कुछ नया करने जा रहे हैं, आज कुछ नया करेंगे आप और वह समय आपके लिए अनुकूल है। आप आज कुछ नया व्यापार के लिए कर सकते हैं, आपके लिए समय अनुकूल है। जिन दोस्तों से लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई है उनसे मिलने के लिए आज सही समय है। आज उनसे आप मुलाकात करें, आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 7। मकर राशि वालों के लिए आज क्या है उसे सुनिए। आज आपकी मानसिक स्थिति द्विधापूर्ण रहेगी, इसलिए आज महत्वपूर्ण निर्णय न लें और नए कार्य का प्रारंभ भी आज आपको नहीं करना है। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य व परिश्रम की प्रशंसा होगी। वांछित वस्तु की प्राप्ति व मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कोई पुरानी बातें या समस्याएं आपके दिल दिमाग में चलती रहेंगी। आज का आपका शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 4। कुंभ राशि वालों के लिए आज क्या कहता है, आज का दिन आमोद प्रमोद में व्यतीत होगा। प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी, कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। मित्र तथा स्नेही जनों की तरफ से उपहार मिलने की भी संभावना है। आपके प्रिय से उपहार मिलने की भी संभावना है। आपके प्रिय के कड़वे शब्दों के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। व्यवसाय के विषय में अच्छी चर्चा व साझेदार से मदद भी आपको मिलने वाली है। आज सफर के लिए आज का दिन ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए आज कहीं सफर नहीं करें तो अच्छा है। आज का आपका शुभ रंग है काला और शुभ अंक है 9।
अब अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए क्या है आज उसे सुनिए। मीन राशि वाले, आज का दिन आपके लिए कष्टदायक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव भी हो सकता है। स्वभाव में क्रोध और आवेश अधिक रहेगा। स्वास्थ्य में समस्या होगी। पैसे का अत्यधिक खर्च होने का योग आज आपके लिए बन रहा है। आज के दिन आप आर्थिक लेन देन किसी से न करें, नहीं तो आपको क्षति होगी। वाहन खरीदने की आशा भी आज आपकी अधूरी रह जाएगी। दीर्घावधि में कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। आज आपका शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 9। तो मित्रों, आज की यही है 12 राशियों का फल। और आपको अगर अच्छा लगता हो तो इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मुझसे अगर ज्योतिष के समाधान में कुछ पूछना हो किसी विषय पर, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मैं यथाशीघ्र आपको जवाब इस सवाल का जवाब दूंगा। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।